दुष्यंत कुमार जी के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं और इनकी रचनाओं के लिए भूमिका हमेशा देश में बनी रहती है। तो देश में भूमिका यहाँ पे बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। और 1975 में जब वो नहीं रहे तो उस समय जिस दौर को लेकर साये में धूप उनकी एक पूरी रचनाएं का संग्रह आया था, तो उसके बारे में मैं तब नहीं था और मेरी उम्र के कई लोग तब नहीं थे 1975 में, लेकिन दुष्यंत कुमार थे और हर दौर में दुष्यंत कुमार होंगे जो हमें उस दौर में लिखे गए, उस दौर में जिए गए दर्द के बारे में बताते रहेंगे। फैज़ अहमद फैज़ होंगे, दुष्यंत कुमार होंगे, हबीब जालिब साहब होंगे, सब होंगे। उनकी एक रचना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि लफ्ज़ एहसास से छाने लगे, लफ्ज़ एहसास से छाने लगे ये तो हद है, लफ्ज़ माने भी छुपाने लगे ये तो हद है, लफ्ज़ एहसास से छाने लगे ये तो हद है, लफ्ज़ माने भी छुपाने लगे ये तो हद है। आप दीवार उठाने के लिए आए थे घर बनाने के लिए, आप दीवार उठाने के लिए आए थे, आप दीवार उठाने लगे ये तो हद है। तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई थी और कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था कि आप दीवार गिराने के लिए आए थे, आप दीवार उठाने लगे ये तो हद है। तो ये तो इतना आसान है कि इसे कोई भी लिख देता, दुष्यंत कुमार नहीं लिखते। दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि आप दीवार उठाने के लिए आए थे, घर बनाने के लिए आए थे, आप दीवार उठाने लगे ये तो हद है। खामोशी शोर से सुनते थे कि घबराती है, खामोशी और शोर, खामोशी शोर से सुनते थे कि घबराती है, खामोशी शोर मचाने लगे ये तो हद है। लफ्ज़ एहसास से छाने लगे ये तो हद है। आदमी होठ चबाए तो समझ आता है, आदमी होठ चबाए तो समझ आता है, आदमी छाल चबाने लगे ये तो हद है। और आज तो छाल भी चबा रहा है, बाल भी चबा रहा है, खाल भी चबा रहा है, तो ये तो हद है। जिस्म पहरावों में छिप जाते थे, पहरावों में, जिस्म पहरावों में छिप जाते थे, पहरावों में जिस्म नंगे नजर आने लगे ये तो हद है। और आखिर है कि लोग तहजीब व तमद्दुन के सलीके सीखे, लोग तहजीब व तमद्दुन के सलीके सीखे, लोग रोते हुए गाने लगे ये तो हद है। लफ्ज एहसास से छाने लगे ये तो हद है। बहुत बहुत शुक्रिया।